बताएंगे आज किस मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता की जा रही है अपनी तरफ से, बीमार की तरफ से? सबसे पहले राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 जुलाई को भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का स्थापना दिवस है। समस्त देशवासियों को भीम आर्मी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी, और ये कारवा सहारनपुर से स्टार्ट हुआ था और ये पूरे ही देश में जड़े मजबूत करने लगा। और आज जम्मू कश्मीर में भी 10 डिस्ट्रिक्टों में भीम आर्मी का कार्य चल रहा है। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी ने आदेश किया था कि पूरे ही देश में हर राज्य में भीम आर्मी का जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और उसी के उपलक्ष में आज हम डिस्ट्रिक्ट, जो हमारी टीम है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, हमने ये प्रोग्राम जो डिसाइड किया है ये किया है नगरी के अंदर वार्ड नंबर 10 पंचायतगर नगरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ। मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप सभी परिवार सहित जम्मू कश्मीर के हर कोने से आप साथी बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और एकता का परिचय दें। जो संदेश हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का था, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का था, भोजन हिताय भोजन सुखाय की नीति को घर घर तक पहुंचाने के लिए उनके सपने को हर वहां पे जो उन्होंने सपना देखा था वो जन जन तक हर घर तक पहुंचाने के लिए हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता दिलो जान से लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी, और वो सपना जो है बड़ी जल्दी साकार होने वाला है। और आपने देख लिया कि भीम आर्मी के प्रमुख माननीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नगीना से इलेक्शन कंटेस्ट किया है और 1.5 लाख की लीड से वो उन्होंने भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल करके एक मिसाल कायम करके पूरे ही देश को एक अच्छा नेता जो है सांसद में पहुंचाया है। तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से भी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से भी हम ऐसे ही नौजवान और ऐसे ही जुझारू नेता तैयार करेंगे। कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा 21 जुलाई को? हाँ, 21 जुलाई को ऐसा है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है माननीय विनय रतन सिंह जी का कि भीम आर्मी में जो लोग कार्य कर रहे थे उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा, तो ये प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे संपन्न हो जाएगा। तो इसमें बड़े सारे जो लोग हैं वो भीम आर्मी का दामन थामेंगे और नए जो लोग जो भीम आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आएंगे उनको भीम आर्मी में शामिल किया जाएगा। ये अपील है पूरे ही जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लें, अपने परिवार सहित यहाँ पे इस प्रोग्राम में पहुँचें और एकता का परिचय दें। जी धन्यवाद। मैं पवन कुमार लोनी जी, जो स्टेट कन्वीनर हैं भीम आर्मी के, और रिकेश कुमार बिट्टू जी, जो डिस्ट्रिक्ट में कन्वीनर हैं, और बाकी जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं चाहता हूं कि सारे ही लोग बढ़ चढ़ कर जो भी इस प्रोग्राम की सुने वो आमंत्रित ही है, हम सभी का स्वागत करेंगे और बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम की जो है संख्या बढ़ाएं। और जो मैसेज है चंद्रशेखर जी का, जो न्यूली अभी अभी एमपी बने हैं, तो उनका मैसेज भी जो है वो दिया जाएगा सभी को। और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस प्रोग्राम में जो भारत एकता मिशन के नाम से ये प्रोग्राम किया जा रहा है 21 जुलाई को, सभी को हम तय दिल से उनका धन्यवाद करते हैं जो भी आएंगे, और नई ज्वाइनिंग जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें ज्वाइन होंगे। जय भीम जय भारत। मैं राकेश नगरीदा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भीम आर्मी एकता मिशन। तो मैं सब साथियों ने, खासकर मेरे आए थे प्रेसिडेंट साहब जम्मू कश्मीर भारती भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन दे, तो मैं अज उन्दे उपलक्ष्य च प्रेस कॉन्फ्रेंस तां करने पई है कि अस लोकें गी सारें गी जेहड़े भीम आर्मी कन्नै जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोग्राम गी दिखना चाहते हैं, इहदे प्रति जेहड़े विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें सारें गी आह्वान करूँ कि इस प्रोग्राम गी 21 जुलाई परसों संडे गी
ये मेरे ग्रां ऐरमा अंतराणा नगरी वासियों की और जिन्हें भी जेडे इस भीम आर्मी संगठन के जुड़े देने मैं उन्हें सारे आमंत्रित करूँ कि तुम आओ इस प्रोग्राम की बड़ी चिड़िए इदा जो स्थापना दिवस है उसी बड़ी खुशी किने मनाइए और मैं इन्हें गल्लें कि नहीं सारे इन्हें जो मेरे छोटे छोटे ग्रां हैं मेरे सज्जन साथी जेडे भीम आर्मी एकता मिशन के जुड़े देने मैं उन्हें दिल के आमंत्रित करूँ कि वह सब लोग साथी जेडे इकट्ठे होई आन और इस प्रोग्राम की बड़ा सफल तरीके के बनाया जाए। मैं सुरेंद्र कुमार सिंधु डिस्ट्रिक्ट सैकटरी भीम आर्मी ये साढ़ा 21 जुलाई की प्रोग्राम है 32 मोड़ वार्ड नंबर 11 च झंझघर जिहड़ा उत्थे ये जिहड़ा साढ़ा प्रोग्राम है ये भीम आर्मी की जिहड़ी स्थापन दिवस है क्योंकि भीम आर्मी जिहड़ा स्टार्टिंग जिहड़ा 2015 च होया हा और ये साढ़ा 9वां जिहड़ा स्थापन दिवस है ये क्योंकि साढ़ा जिहड़ा पिंड है नगरी ग्रां है ये साढ़े जम्मू कश्मीर च सारे कोला वड्डा ग्रां है तो पार्टी का भी ये प्रोग्राम है क्योंकि जिहड़ी साढ़ा बहुजन समाज है जिहड़ा स्ट्रांग है साढ़े कठुए च तो पार्टी का भी मैनीफेस्ट है कि जिहड़ा नगरी है जिहड़ा इसी बढ़ चढ़िए लोग जिहड़ा भीम आर्मी ज्वाइन करन साथ देन और आने वाले टाइम च जियां साढ़े सांसद जिहड़े ने चंद्रशेखर आजाद होरी ने उहो जिहा कोई नेता तैयार करिए देन ते साड़ी यही कोशिश होग भी असीं नगरी दे वासी लागे दे डिस्ट्रिक्ट दे तहसील दे असीं इहो कोशिश करके कि वध कोला वध जिहड़े ने साढ़े भीम आर्मी ज्वाइन करन और अच्छा नेता जिहड़ा तैयार करन और ताकि जिहड़े साढ़े इलाके की जिहड़ी है अच्छी जिहड़ी अपॉर्चुनिटी होवे। जय भीम जय भारत। बोलो। जय भीम। मेरा नाम लक्की कुमार। 21 जुलाई की भीम आर्मी स्थापना दिवस नगरी दे च बनाने हैं जिन्हें भी जम्मू कश्मीर की बहुजन समाज है सारे अगे इक्कै अपील है इस स्थापना दिवस की बड़ी चढ़ियै भाग लेन और ज्यादा कोला ज्यादा भीम आर्मी कन्नै जुड़न लोग। जय भीम जय भारत। मैं रतन चंद भीम आर्मी छोटा जिहा इक अध्यक्ष 21 जुलाई की वार्ड नंबर 11 च एक प्रोग्राम रखा जिदे च मतलब भीम आर्मी जी है ये मजबूत करनी संगठन लैना संकल्प करना वा भी बड़ी चढ़िए साड़ी है तो ये मतलब राष्ट्रीय पार्टी बननी चाहिए साड़ी। जय भीम जय भारत।